बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी। आलू गोभी बनाने के लिए मैंने 1 किलो गोभी ली है। गोभी को मैंने धो के रख लिया था और अब छोटे छोटे टुकड़े बनाकर मैं गोभी काट रही हूँ। सारी गोभी इसी तरह काट जाएगी। छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने सारी गोभी काट ली है और इसमें 2 से 3 आलू जाएंगे। आलू का छिलका उतार लिया था और अब आलू मैंने काट लिए हैं। छोटे छोटे टुकड़े करके आलू मैंने काट के रख लिए हैं। आलू मैंने काट चुके हैं और अब मैंने आग जला दी है। एक पतीला लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल शामिल किया है। ऑयल मेरा गर्म हो गया तो अब इसमें कटी प्याज शामिल कर देंगे। 2 टमाटर जाएंगे, 2 से 3 हरी मिर्चें हैं। प्याज मेरे हल्के फ्राई होने शुरू हो गए हैं तो अब साथ में लहसुन का पेस्ट बनाएंगे। लहसुन का पेस्ट मेरा तैयार हो गया है तो प्याज मेरे हल्के फ्राई हो गए और अब इसमें शामिल कर देंगे लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट मैंने शामिल कर दिया और फ्राई हो गए हैं। अब इसमें टमाटर मैंने काट के रख लिए, हरी मिर्चें काटी हैं, नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला। टमाटर मैंने डाल दिए हैं। 2 से 3 मिनट तक इसको पकाएंगे। मसाला मेरा तैयार हो गया और अब इसमें शामिल कर देंगे आलू गोभी। आलू गोभी इसमें मैंने डाल दी और मसाले को अच्छी तरह गोभी को अच्छी तरह मसाले में मिक्स कर देंगे। आलू गोभी को मैंने मसाले में अच्छी तरह मिक्स कर दिया है और आग भी मेरी हल्की हो चुकी है। अब मज़ेदार आग जल गई है तो 2 से 3 मिनट तक इसको ढक्कन देकर पकाएंगे। ये अपने ही पानी में मज़ेदार सी आलू गोभी पक कर तैयार हो जाएगी। अगर मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।